सभी एस्पिरेंट को आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ में आप सभी का वापस से स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की न्यूज़ को। तो फर्स्ट न्यूज़ है कि चीन ने चांग-E6 चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया है। तो किस देश के द्वारा हाल ही में चांग-E6 चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह मिशन जो है वो चीन के हैनान द्वीप के वेनचांग स्पेस साइट से लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा चांग-E6 जो है वो क्या है, तो एक चंद्रमा मिशन है जिसको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाल ही में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली प्रति का अनावरण केरल के किलिमन्नूर पैलेस में किया गया है। तो किसका किसकी पेंटिंग का किसकी पेंटिंग का जो है अनावरण किया गया है? तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली प्रति का अनावरण किया गया है। कहाँ से? तो केरल के किलिमन्नूर पैलेस में। अब आगे देखिए, पेंटिंग में 1889 में प्रकाशित ओ चंदू मेनन के पहले आधुनिक मलयालम उपन्यास की नायिका इंदुलेखा को क्या किया गया है? तो दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा वी श्रीनिवास प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध किस चीज़ से है? तो राजनीति से है। पूछा जाता है, निधन से भी क्वेश्चंस रहते हैं, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि श्रीनिवास प्रसाद जी जिनका निधन हो गया हाल ही में, उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध किस चीज़ से है? तो राजनीति से है। और ये किस पार्टी के सांसद हैं? तो बीजेपी पार्टी के सांसद हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो जेरेमिया मानेले जो हैं वो सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगर आप सोलोमन द्वीप को देखोगे तो ये कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप जो है वो अवस्थित है। अगली न्यूज़ है कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, आप देखो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन जब स्टेटमेंट में पूछते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ही कारगर साबित हो जाता है ऐसे फैक्ट्स। अगली न्यूज़ है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो याद रखना है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का निर्देशक जिन्हें बनाया गया है वो है प्रतिमा सिंह। और ये प्रतिमा सिंह जो है वो 2009 बैच की IAS अधिकारी है। अगली न्यूज़ है एंटारेस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि एंटारेस जो है अगर आप इसके बारे में देखोगे तो बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने चमकीले लाल तारे एंटारेस के सामने से चंद्रमा के गुजरने की तस्वीर खींची है। तो क्या है एंटारेस? एंटारेस जो है बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिक संस्थान ने चमकीले लाल तारे के सामने, ठीक है, चमकीले लाल तारे क्या, तो एंटारेस के सामने से चंद्रमा के गुजरने की क्या की है, तो तस्वीर खींची है। और यह सूर्य से लगभग 10,000 गुना अधिक चमकीला, इसका व्यास 7 गुना और 600 प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, तो ये वाला न्यूज़ समझ में आ गया। अगली न्यूज़ है कि वेस्ट इंडीज़ देश के बल्लेबाज डेवोन थॉमस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम इन पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो कारण था मैच फिक्सिंग का। ठीक है, जो बल्लेबाज डेवोन थॉमस है वो मैच फिक्सिंग के कारण उन पे जो है क्या कर दिया गया है, तो प्रतिबंध लगा दिया गया है 5 सालों का। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछेंगे क्वेश्चन कि डेवोन थॉमस जो कि बल्लेबाज हैं उनका संबंध किस देश से है? तो वेस्ट इंडीज़ से है। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग 159 है, जो कि 2019 में कितनी थी, तो 161 थी। तो याद रखना है 2024 में इंडिया की रैंकिंग 159 है। ठीक है, और 2023 में कितना था, तो 161 था। और फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो नॉर्वे है अभी 2024 में, और सेकंड पे कौन है, डेनमार्क है, और थर्ड पे कौन है, तो स्वीडन है। अगली न्यूज़ है
अगली न्यूज है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024। तो यूनेस्को के द्वारा जो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 दिया गया है किसे, तो फिलिस्तीनी पत्रकार को। ठीक है, अब क्यों मिला है, क्योंकि गाजा पर इजराइल के युद्ध को कवर करने वाली फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो फिलिस्तीनी पत्रकार को। पता चल गया ना किस लिए किया गया है, क्योंकि गाजा पर इजराइल के युद्ध को कवर करने के लिए फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।